ये लैंड पुलिंग पॉलिसी 2007 में लागू हुई थी और सरकार बदलने बाद 14 में सरकार बदलू के बाद 18 में इन्होंने लागू कर दी, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां थी जो कि बिल्डर नहीं आ रहे थे। उसके बाद हमने हरदीपपुरी मंत्री जी से, वीसी से 10-15 मीटिंग की थी, हमारी पूरी टीम है दिल्ली देहात विकास मंत्री, उस माध्यम से हमने उनसे मिले, उनके में कुछ संशोधन करवाए हमने, जैसे भी 4 किलोमीटर के अंदर प्लॉट दे रहे थे, हमने कह के उसी सेक्टर के अंदर प्लॉट हमें मिलने चाहिए। पहले FAR कम था, 400 था, फिर 200 कर दिया, फिर उन्होंने फिर कहने लगे जी 5 एकड़ कम वाले से ज़मीन कम देंगे उसको 5%, बड़े ज़मींदार को ज़्यादा ज़मीन दे रहे थे, हमने फिर उसको संशोधन करवा करके बराबर ज़मीन कराई छोटे बड़े किसानों की। तो इस प्रकार हम इसमें लगे हुए हैं, हमें सारी फाइल हरदीपपुरी जी ने उनको बोला था VC जी को, उसके बाद सारी गृह मंत्रालय में फाइल है हमारी, PMO के पास फाइल गई हुई है, 1 साल से हमारी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। जो ऐसे नहीं करे और तो तोड़ देने चारों तरफ ये कॉलोनी काट रहे हैं बिल्डर, कॉलोनी काट देंगे और ये जो भी झोपड़ियाड़े बस जाएंगे हमारे दिल्ली का बिल्कुल भट्ठा गोड़ हो जाएगा, बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, होने लग रहा है। तो ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने ही पॉलिसी को लागू करने के लिए कहा था, हमने ज़मीन सारी उसके अंदर पोर्टल के अंदर जमा करवा दी थी लैंड पुलिंग के अंदर, उसके बाद सब किसान परेशान है, सब हताहत हो रहे हैं कि हमारी ज़मीन भी इसके अंदर फंस गई, हम कुछ करने वाले भी नहीं हैं। फिर सरकार से सारा दिल्ली देहात नाराज है और नाराज रहेगा, जब तक हमारी लैंड पुलिंग पॉलिसी DDA पॉलिसी लागू नहीं होगी तब तक देहात ऐसे ही बिल्कुल बेचारा किसान दुखी है। तो नाराजगी चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले हमें भी 1 महीना पहले वहाँ धरना शुरू किया था 20 तारीख को धौलपुर में, 15 तारीख से यहाँ धरना शुरू कर रखा, अभी 1-2 दिन धरना और शुरू करेंगे, हम 3-4 पार्टों धरना शुरू करके लास्ट में हमने पूरी अपने सारे देहातों इकट्ठा करके गांव-गांव घूम के हम जंतर मंतर पे कम से कम 40-50 हज़ार किसान इकट्ठे करके धरना करेंगे वहाँ पर। हमें अभी प्रण कर लिया कि जब तक हमारी लैंड पुलिंग पॉलिसी GDA पॉलिसी है 74 जो सभी गरीब भाइयों के हैं 74 में संशोधन नहीं होगा, इनको मालिक का नाक नहीं मिलेगा, जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं किसान यूनियन का चेयरमैन भी रहा हूँ, पहले भी था, भी हूँ, हमने खंदावली धरना दिया 2007-08 में मुआवजे के ऊपर, हमारी 35 दिन DCO बंद रखा था हमने, हमारी मांगे शिलाध्यक्ष थी CM, उसने मांग मानी थी, 25 के दिन हमारे 50 लाख रुपये एकड़ यहाँ पर जमीन मुआवजा देना पड़ा था मजबूर होकर के। तो हमारा संगठन मजबूत होने लग रहा, करने लग रहे हैं, पूरी नहीं होती तो जैसा कि कुछ लोग आपके साथी करते कि चुनाव का बहिष्कार भी, हाँ बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करेंगे जी, हमारे मांगे पूरी नहीं हुई तो सारा दिल्ली देहात सारे किसान बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हमारी जो कमेटी फैसला लेगी वो फैसला से भी मानना होगा।